शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 9। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 9। मफीबोशेत का ऊंचा पद प्राप्त करना। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उसे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मफीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मफीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा है? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझसे ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मफीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। मफीबोशेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मफीबोशेत की सेवा करते थे और मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था और वह दोनों पांवों का पंगुला था।